Very sweet good morning. Today I have brought some extracts actually, questions from different chapters. You must pay your attention and tell me where these questions have been taken from and what is the correct answer of these questions. Okay? Objective type questions here are related to your book. What kind of life do the children in the slum lead? As you could recognize by the question, this question has been taken from the chapter, from the poem, An Elementary School Class in the Slum. Okay? Composed by Stephen Spender. Okay? वहां से आपका ये क्वेश्चन लिया है बेटे. तो कैसी लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रन इन द स्लम लीड? कैसी जिंदगी जी रहे थे बच्चे जो स्लम चिल्ड्रन वहां पे पढ़ने आए हैं स्कूल में, तो कैसी लाइफ जी रहे हैं? ओके, पैथेटिक, बहुत दयनीय, फुल ऑफ माइजरी, बहुत कष्टों से भरी हुई, फुल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से भरी हुई. तो वो तो है, गरीब भी है, वो परेशानियां भी है उनको, ठीक है, कंडीशन भी बहुत दयनीय है. तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस. ओके, चिल्ड्रन आर लीडिंग द लाइफ फुल ऑफ दिस माइजरी, पॉवर्टी एंड पैथेटिक. This is the correct answer. Next, how will Derry's handicap affect his life? This is from the chapter On the Face of It. Okay, उसी chapter का ये है. Derry's handicap, you know, the half Derry having half blind face. Okay, chapter आपने पढ़ा होगा, इसमें Derry और Mr. Lamb who was having, you know, thin leg. तो ये डेरी जो बच्चा था, इसका चेहरा जला था, आधा जला था, उसकी हिंदी की यानी कि अपंगपन ने उसकी जिंदगी को कैसे प्रभावित किया? इट अफेक्टेड हिम पॉजिटिवली, अच्छा प्रभाव डाला उसकी अपंगता ने. नो, इट अफेक्टेड हिम एडवर्सली, बुरा प्रभाव डाला, ठीक है. इट डिडंट अफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं डाला. इट्स ओनली अफेक्टेड हिम इन टाइम, एट टाइम्स, कभी कभी. नो, दिस इज द राइट आंसर. इट अफेक्टेड हिम एडवर्सली. Next, it is clear that the speaker in an elementary school in slum is for children. जो speaker है, जो poet है इस poem का, तो बच्चों के लिए क्या है वो? Hopeful, आशान्वित है कि इनकी condition सही हो जाएगी, इसलिए वो प्रिया कर रहा, सबसे request कर रहा है, ठीक है, या encouraging, empathic, regretful, या पछता रहा है, या कोस रहा है. Hope. He is hopeful that the condition of these children will be good. Okay, इनकी भी अच्छी कंडीशन होगी, ये भी पढ़ेंगे, ये भी अच्छे स्कूलों में जाएंगे, अच्छे क्लास में बैठेंगे, ये भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, ठीक है. Next, why did the booking clerk refuse to accept the money? This question is from your chapter, the third level. Okay, third level का ये बेटे, जो booking clerk जहाँ चार्ली गया था, जब third level पे वो पहुंच जाता था, वहाँ पर different उसको मिलता था, लोग अलग होते थे, वहाँ पर गाड़ी के डिब्बे इस तरह की सब अलग चीजें होती थी, तो एक clerk के पास गया वो टिकट लेने के लिए, ठीक है. तो because चार्ली had not given him money, उसने क्यों नहीं accept, क्यों टिकट के लिए मना कर दिया, आपको टिकट नहीं मिलेगी? क्या उसको पैसा नहीं दिया था? जैसे दिए थे उसने, बिकॉज चार्ली हैड गिवन हिम टर्न नोट्स, फटे नोट दिए थे क्या? बिकॉज चार्ली हैड गिवन हिम ओल्ड नोट्स, पुराने नोट दिए थे क्या? पुराने नोट्स दिए थे क्या? अब बिकॉज चार्ली हैड गिवन न्यू नोट्स, तो उसने न्यू नोट्स दिए थे, ठीक है. जबकि वो जो स्टेट ऑफ माइंड उसका जो था, एस्केप करने के लिए एकदम वो दूसरे जमाने में चला जाता था, पिछले, ठीक है. तो आप समझिए, अभी जाएं बर्गर लेने के लिए, ठीक है, आप पहुंच गए यू नो बीकानेर पे, और आप जैसे ही पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि पिछले जमाने के सभी वेटर टोपी पहने और ये सब रखे हुए, अजीब से खाने हैं. आप पैसे दोगे उनको आज वाले, आपने 500 का नोट दिया, वो एक्सेप्ट नहीं होगा. पहले जो पैसे चलते थे वही होंगे, अगर वो पहली उसमें पहुंच जाए, पहले लास्ट विराम पहुंच जाता, ठीक है बेटे. तो उसने वही टाइम के नोट दिए थे जबकि
सोच के आ रहा था वो जमाना कौन सा था, पिछली वाली शताब्दी थी, ठीक है, इसलिए उसने एक्सेप्ट नहीं किए क्योंकि उसने नए नोट्स लिए थे उसको। फिर उसने क्या किया था, उन नोट्स को एक्सचेंज किया था, फिर गया था वहां पर वो। विच ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड द थंडर क्लैप बाय फ्रेंड्स। यू नो देयर इज अ लाइन इन दिस चैप्टर, दिस बर्ड्स वर लाइक थंडर क्लैप टू मी, ठीक है। जो फ्रेंड्स था, व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड इन हिज क्लासरूम, क्लासरूम में पहुंचा तो कौन से ऐसे शब्द बोले मिस्टर हैमिल ने कि उसको जो है एकदम झटका लगा जाके उसने, ओह माय गॉड, व्हाट दिस, क्या कहा था उन्होंने, किस बारे में, कौन सी वो चीज थी, किस ऑर्डर के बारे में उन्होंने बताया, तब उसको धक्का लगा था। द ऑर्डर ऑफ क्लोजिंग स्कूल फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए स्कूल बंद होगा, ये कहा था क्या उसने। द ऑर्डर टू स्टॉपिंग टीचिंग फ्रेंच या फ्रेंच एलसेज और लॉरिन स्कूल में, क्या ऑर्डर आया था, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट इन द स्कूल्स ऑफ एलसेज एंड लॉरिन फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट एनीमोर, इंस्टेड ऑफ दिस लैंग्वेज जर्मन वुड बी टॉट, कौन सी, जर्मन वुड बी टॉट। तो उन्होंने कहा जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो दिस इज ए करेक्ट आंसर, ओके, क्लियर, दिस इज द करेक्ट आंसर बी। यू ऑल मस्ट सेट योर माइंड टू एक्सेप्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स, इट मींस इन वेरी शॉर्ट स्पेंड ऑफ द टाइम यू हैव टू रीच दैट द चैप्टर। एक हमने इस चैप्टर का दे दिया आपको, एक दूसरे का दे दिया, तो एकदम आपको पता लग जाना चाहिए, यू मस्ट नो फ्रॉम दिस क्वेश्चन आज, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। इट मीन्स यू हैव रीड ऑल द चैप्टर्स एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, एंड इट इज अ गुड थिंग दैट इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन देन यू मस्ट रीड ऑल द चैप्टर्स डीपली, केवल समरी नहीं, डीपली आप उसको पढ़िए, एक्सट्रैक्ट बीच में से आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो आप लिख सकते हैं बट एक्सट्रैक्ट तभी कर पाएंगे, इस तरह क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हो, ठीक है। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज क्वेश्चन, नाउ दीज आर क्लियरली विजिबल, यू कुड सी देम ऑन द बोर्ड, इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर्स हैव बीन मार्क्ड बाय मी, थर्ड क्वेश्चन होपफुल, फोर्थ क्वेश्चन व्हाट व्हाई डिड द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज, ओके। अब ये इसमें थोड़ा सा चेंज है, एक्चुअली ग्रामेटिकल मिस्टेक है बेटे, आप लोग देख लीजिए इसको, रिफ्यूज्ड नहीं होगा क्योंकि डिड लगा है वहां पर, ओके, रिफ्यूज होगा ये। व्हाई डिड द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी, बिकॉज चार्ली हैड गिवन हिम न्यू नोट्स। विच ऑर्डर फ्रॉम वर्लिन इज कॉल्ड द थंडर क्लैप बाय फ्रेंच, किन शब्दों ने फ्रेंच को हिला दिया, कौन से ऑर्डर की बात हो रही थी, द ऑर्डर ऑफ स्टॉपिंग टीचिंग फ्रेंच, नाउ आई एम गिविंग यू सम अदर क्वेश्चंस, दीज आर फॉर होमवर्क, यू मस्ट कंप्लीट देम एट होम, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दीज क्वेश्चंस यू शुड टेक इट्स पिक एंड सेंड टू मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, सो दैट आई कुड चेक वेदर यू हैव डन योर वर्क प्रॉपरली ऑर नॉट, वेदर ऑल द आंसर दैट यू हैव गिवन आर करेक्ट और इनकरेक्ट, ओके। ये आपको होमवर्क है, होम असाइनमेंट